गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं फिर आप लोगों के सामने आया हूँ एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी लेके, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर, मिस्टर शाकुल कौशिक जी का, जिनकी स्टोरी सुनने के बाद आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होने वाले हैं। इनके बारे में बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आज से एक साल पहले इनका वेट था 97 kg। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि बात वेट की नहीं होती है, बात होती है गुड हेल्थ की। तो जब इनका 97 kg वेट था, उस वक्त इनको कितने सारे हेल्थ इश्यूज थे, वो एक एक करके ये आपको बताएंगे अपनी पूरी की पूरी स्टोरी। बट मैं आपको इन शॉर्ट इतना सिर्फ बताना चाहूँगा कि इनकी हालत ऐसी थी कि अपने पैरों पर भी चल नहीं सकते थे। और उसके बाद इतना ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने अपनी लाइफ में लिया है, जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अब मैं इन्हीं की जुबानी आपको बताऊंगा कि इन्होंने इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को कैसे किया, और इसी सेशन में हम इनसे सीखेंगे कि हम अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी सिचुएशन, ऐसा कौन सा आपकी लाइफ में एक ऐसा एक सिचुएशन बनी कि जब आपको लगा कि अब आपको ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए, ऐसी कौन सा मोटिवेशन आपकी लाइफ में आया? तो प्लीज़ आप, मैं चाहूँगा कि आप शेयर करें अपनी इस हेल्थ जर्नी को, प्लीज़। देखिए सर, लगभग एक साल पहले तो चलो मैंने ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट करा था। मतलब मैंने जो सोचा था कि मतलब मुझे अपना वेट कम करना है या फिट होना है, ये तो एक साल पहले की बात थी। और उससे भी पहले जो थी कि मुझे फिज़िकल इश्यूज धीरे धीरे इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि सबसे मेन तो मैं आपको बताऊं कि मेरे घुटनों की प्रॉब्लम, मतलब 33 ईयर्स में, मतलब आप खुद सोच सकते हैं 33 साल का एक लड़का और उसे घुटनों की प्रॉब्लम हो गई है। एक्चुअली सर क्या था कि मैं ट्यूसडे और सैटरडे में बालाजी मंदिर में जाता था। ओके सर। तो उस पर माथा टेकते हैं, जैसे माथा टेक के मैं उठ नहीं पाता था। तो मेरा एक भतीजा था 20 साल का, 20 ईयर्स का था वो। ओके। वो मतलब है, और वो मेरे साथ जाता, तो मुझे उससे उसका हाथ पकड़ के मुझे उठना पड़ता था। ओह माय गॉड। तो ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ हुई थी। तो बल्कि स्टार्टिंग में मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा फन वे में लिया कि मेरा भतीजा मेरा मजाक उड़ाता था कि चाचा बताओ आप तो इंसल्ट कराते हो, हाथ पकड़ के अभी से उठवाते हो। ओके। तो ये चीज़ें नॉर्मल तरीके से चलती रही। लेकिन एक बार जब मैं वो जो जीना चढ़ रहा था वहाँ मंदिर का, तो जब मेरे घुटने में प्रॉब्लम इतनी आई कि एकदम एक झटका सा लगा और मेरा लेफ्ट पैर जो है लेग घुटने से नीचे का, वो मतलब ऐसा हो गया कि उसमें नीचे जान ही नहीं है। तो उसके बाद मैंने फिर डॉक्टर को दिखाया, एक्सरे करवाया। एक्सरे में कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आपका वेट इतना हो गया है, ओवर इतना ओवर वेट आपका हो चुका है, उसे आप कम करो। तो मैं जब भी नहीं माना, लेकिन वो होता है ना कि मेरी ये थिंकिंग थी कि भाई खाते पीते घर के हैं और लाला टाइप से हम रहते थे कि हम सही हैं बिल्कुल। ओके ओके। तो लेकिन फिर जब डॉक्टर ने कहा तो मैंने जिम, तो सबसे पहले मैंने जिम स्टार्ट करा कि मैंने कहा चलो ठीक है, सब कहते हैं कि वेट कम करना है तो जिम करो, वर्कआउट करो। तो मैं वहाँ गया और जिम मैंने 2 महीने करा, तो मेरा 2 महीने में 1.5 किलो के लगभग ही वजन कम हुआ था। ओके ओके। लेकिन मेरी स्थिति ऐसी आ गई थी, मतलब प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मेरे दोनों घुटनों में इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं बाइक की किक भी नहीं मार सकता था। ओके। और मतलब वो है ना कि सेल्फ स्टार्ट वाली बाइक ही मेरे लिए सही रहती थी। बट आपको देख के सर कोई कह नहीं सकता कि यार, मतलब ऐसी सिचुएशन से भी आप गुजरे। यस सर। और बल्कि मेरी वाइफ भी मुझे कहती थी कि भाई आप थोड़ा अपने फिटनेस पे ध्यान दो। तो उसके बाद जाके कहीं जब मुझे ज़्यादा ही पैरों में प्रॉब्लम होने लगी, और सर देखिए मैं बताऊँ, जब मैं इतना वेट था मेरा, तो मुझे छोटी छोटी प्रॉब्लम जो आज दिखती हैं उस टाइम नहीं दिखती थी, नहीं दिखती। जैसे कि एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी मुझे, अगर मैं कुछ भी थोड़ा भी स्पाइसी खा लूँ तो मैं पूरी रात बैठ के सोता था, बैठ गया और दवाई खाया और मैं बैठ के सोता था, क्योंकि लेट थे क्या होता है वो एसिडिटी आती है। तो ये और बीपी हाई मेरा रहने लगा था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत, मतलब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी थी मेरे साथ। तो उसके बाद फिर मुझे जब लगा कि जब मुझे डॉक्टर ने ये कह दिया कि अगर आपने वेट कम नहीं करा तो शायद आपका घुटनों की प्रॉब्लम इतनी बढ़ी है कि ट्रांसपेरेंट नी रिप्लेसमेंट हो जाएगी आपकी। तो जब मैंने सोचा कि चलो करने चाहिए, और उसके बाद मुझे एक कोच मिली, मेरे रिलेटिव ही हैं वो, लेकिन वो मुझे काफ़ी टाइम से कह रही थी, लेकिन फिर वो उनसे उन्होंने मुझे बताया कि
कि कैसे धीरे धीरे फिट होया जा सकता है। मतलब आपको प्रॉपर एक नॉलेज दी। हाँ जी, हाँ जी सर। और उसके बाद मैंने अपना स्टार्टिंग के एक महीने में ही विदाउट एनी वर्कआउट, मतलब मैंने स्टार्टिंग में वर्कआउट नहीं, क्योंकि मैं कर ही नहीं पाता था। मेरी मसल्स इतनी वीक हो चुकी थी कि मेरे शोल्डर में भी और कमर में भी प्रॉब्लम इतनी शुरू हो गई थी, तो मैं जिम भी मैं नहीं कर पा रहा था वर्कआउट। तो बिना वर्कआउट के मैंने एक महीने में ही 4.5 किलो के लगभग मैंने अपना वेट कम करा। ओके, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वर्कआउट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल डाइट प्लान का और है। Yes, मतलब अगर हम अपनी डाइट को समझ लें तो भी हम रिजल्ट्स ले सकते हैं, अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। ओके सर, देखिए जो मैंने फिर बाद में जो फिटनेस का जो मंत्र कह सकते हैं आप, फिटनेस मंत्र जो मैंने मुझे जानने को मिला वो ये मिला कि सबसे ज़्यादा रोल यानी 80% रोल आपके खाने पीने का और अच्छे न्यूट्रिशन का है। ओके। और बल्कि हम क्या करते हैं, हम 20% पे ज़्यादा काम करते हैं, हम वर्कआउट करते हैं। और मैं भी 1.5 महीना 2 महीना मैंने यही करा, जिम जाता था, मैंने वर्कआउट बहुत अच्छी तरीके से करता था, लेकिन उसके बाद भी मेरा सिर्फ 1.5 किलो वजन कम हुआ था। मतलब जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि जनरली लोग जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जब उनको वेट कम करना होता है, जब उनको ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करनी होती है, तो वो क्या करते हैं, जिम पहुँच जाते हैं और खूब सारा वर्कआउट करना स्टार्ट कर देते हैं। और जबकि ज़रूरी यह है कि आपकी स्टोरी से हमें जो समझ में आ रहा है कि ज़रूरी यह है कि यार जिम जाओ, एक अच्छी बात है, लेकिन जिम के बाद क्या करना है, यानी कि द मोर जो सबसे बड़ा जो रोल है वो हमारी लाइफ स्टाइल का है। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर हमें ज़रूरत है, अगर हमको ट्रांसफॉर्म होना है, तो हमें अपनी लाइफ स्टाइल पर काम करने की ज़रूरत है, हमें अपनी ईटिंग हैबिट्स पर काम करने की ज़रूरत है। और वही मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इसलिए मेरा वेट भी नहीं कम हो पा रहा था। तो उसके बाद मैंने एक महीने में 4.5 किलो वजन कम करा, और लगभग मुझे 10 या 11 महीने टोटल लगे अपना लगभग 29-30 किलो वजन कम करने में। ओ माय गॉड, ये 29 से 30 किलो वजन आपने कम किया। अच्छा, आपको कोई वीकनेस फील होती है? नहीं सर, वीकनेस नहीं कह सकते सर, लेकिन शुरू में एक कहते हैं ना कि मुझे इतनी बुरी आदतें थी खाने पीने की, तो उनका हैबिचुअल हो चुका था मैं। तो उन्हें अवॉइड करके जब मैं न्यूट्रिशन की हेल्प से अपना वेट कम कर रहा था, तो उनकी एक हैबिट जो थी ना, वो थोड़ा मतलब वो करती थी सर कि मतलब मन में करता था कि मैं खा लूँ, मैं कोल्ड ड्रिंक पी लूँ या फिर मैं बर्गर खा लूँ बाहर जाके। मतलब आपको आपकी जो पुरानी हैबिट्स थी वो आपको रिकॉल कर रही थी सर। जहाँ तक मुझे पता है कि सर, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड में ही हूँ, फिटनेस पे ही काम करता हूँ, जब हम प्रॉपर डाइट प्लानिंग के साथ अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो इवन हमें वीकनेस नहीं आती, इवन हम लोग पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा ही हुआ होगा आपके साथ। मेरे से सर 25 दिन तो मुझे प्रॉब्लम रही थी पुराने हैबिट को, जो मेरी पुरानी खाने पीने की बेकार हैबिट थी, उससे वापस आने में, मतलब उन्हें अवॉइड करने में प्रॉपरली उन्हें मुझे 25 दिन लगे। लेकिन उसके बाद सर और अब तक मुझे कोई वीकनेस नहीं लगती है, बल्कि पहले से मैं बहुत ज़्यादा फिट हूँ। पहले शायद मैं आपको बताऊँ मैं अपने घर से, और एक पार्क है मेरे घर के पास, मैं वहाँ तक भी पैदल नहीं जा पाता था, और अब मैं अपने ही सिटी का आधा चक्कर तो मैं लगा सकता हूँ ईजिली। मुझे कोई क्या बात है। तो मैं समझता हूँ कि सर की स्टोरी को सुन के काफ़ी मोटिवेशन भाई मेरे को तो बहुत मिलने वाला है। मैं वैसे फ़िटनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, और शायद अब मैं बहुत ज़्यादा रखने वाला हूँ, मैं तो कभी अपनी फ़िटनेस जर्नी को बंद करने वाला नहीं हूँ। तो सर आपका क्या कहना है कि जो फ़िटनेस जर्नी है हमारी, इसको हमेशा कंटिन्यू रखना चाहिए, ये भी एक अपने आप में इसके बारे में क्या ख्याल है कि लोग अक्सर क्या करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं लेकिन उसके बाद फिर छोड़ के बैठ जाते हैं। सर देखिए मैं बताऊं, आपको पता है जैसे मैं खुद अब एज ए हेल्थ कोच काम कर रहा हूं, तो मैं सबको एक बात ही कहता हूं, और जो मुझे भी फील हुआ है वो यही हुआ है कि देखिए ना तो हम कोई टीवी है ना हम कोई फ्रिज है, कि जैसे हमें बना दिया है हम वैसे ही रहेंगे। अच्छा, ओके ठीक है ना, हम हमारे में और ये जो टीवी और फ्रिज ये सब चीज़ें होती है ना, इसमें बस एक ही अंतर है, वो तो बन चुके हैं जैसे बनना है वो बन चुके, या तो वो टूट सकते हैं बिल्कुल, मतलब वो एज इट इज रहेंगे। कितनी बड़ी बात आपने एक एग्जांपल के साथ आपने ऑडियंस को बताई कि हम लोग टीवी फ्रिज नहीं है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गए तो वो वैसे ही रहने वाले हैं। yes, यानी कि वी हैव टू मेंटेन ऑलवेज। यस सर, क्या बात है। अच्छा, मैं शाकुल सर के बारे में आपको एक बात और बताऊँ
कि इन्होंने अपनी तो ट्रांसफॉर्मेशन ली ही है और अपने साथ साथ कई सारे लोगों को, यानी कि थाउजेंड ऑफ पीपल जो इनसे ट्रांसफॉर्मेशन टिप्स लेते हैं, आज ये बहुत सारे लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन दे चुके हैं। अगर आप लोग भी इनसे ट्रांसफॉर्मेशन टिप्स लेना चाहें तो मैं इनका नंबर कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप इनसे पर्सनली बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो शाकुल सर, मैं ये चाहूँगा कि जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन ली है उस ट्रांसफॉर्मेशन से लोगों को हेल्प होनी चाहिए, तो आप अपने एक्सपीरियंस को से आप लोगों को कुछ टिप्स दें जिससे कि वो लोग इजीली अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकें। देखिए सर, मैं सबको सिर्फ 5 टिप्स ही बताना चाहूँगा और 5 टिप्स ही मेन होते हैं हमारे। 5 देखिए, सबसे पहला कि अब हाइड्रेट रहें, मतलब कि पानी जो वाटर इनटेक है आपका पूरे दिन में वो आपको मिनिमम 4 लीटर तो चाहिए, मतलब 4 लीटर एक दिन में आपको पानी पीना ही चाहिए। अपने आपको हाइड्रेट रखें, डिहाइड्रेट ना होने दें। ओके ओके, इससे क्या है कि आपको बहुत हेल्प मिलती है, आपको आपका ट्रांसफॉर्मेशन मतलब थोड़ा स्पीडली उससे उसके थ्रू ही चलता है। हाँ, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि उससे आपका डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस फास्ट हो जाता है और आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छे से कर पाएंगे। और सर, दूसरा टिप जो है वो मैं ये देना चाहूँगा कि आप पूरे दिन में, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि सुबह, कभी भी जब भी आपको टाइम मिले, क्योंकि आजकल वैसे भी बहुत बिजी लाइफ हो गई है सबकी, तो आप पूरे दिन में 1 घंटा तो अपनी बॉडी को जरूर दें, मतलब 1 घंटे का वर्कआउट मस्ट रखें। चाहे वो आप जैसे लेडीज होती है वो एरोबिक जुम्बा करें, या फिर घर पे डांस भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक अच्छा वर्कआउट आप कह सकते हो कि अपना आप 1 घंटा डांस करें या वर्कआउट करें, जिम जाएं, जॉगिंग करें, ये 1 घंटा आपको देना चाहिए। ओके, मतलब 1 घंटे का वर्कआउट आदमी को देना ही चाहिए, इम्पोर्टेंट है। ओके, और सर तीसरा जो मैं बताना चाहूँगा आपको वो ये बताना चाहूँगा कि सर, अपने पूरे दिन का जो आपका खाने का शेड्यूल है वो आप प्लान करें, मतलब 5 टाइम 5, आप ये कह सकते हैं कि 5 पार्ट में उसे आप डिवाइड कर दें। हर 3-3 घंटे के बाद आप खाएं, ये नहीं कि आप पूरे दिन में 2 बार खाना खा रहे हैं या कुछ भी आप मील खा रहे हैं, बाहर खा रहे हैं या यहाँ पे खा रहे हैं, घर पे खा रहे हैं, तो आप ये नहीं कि 2 टाइम में आप पूरे दिन का खाना खा रहे हैं, आप 5 बार खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए, लेकिन आप 5 बार खाइए और पूरा दिन भूखा नहीं रहना है आपको। हाँ, लेकिन 3-3 घंटे के गैप में खाना। हाँ, मतलब लोग अक्सर क्या करते हैं कि सबसे बड़ी गलती जो है वो लोग एक ही साथ जब भूख लगती है तो खूब सारा खा लेते हैं, ऐसा नहीं खाना है। अपने मील को थोड़ा थोड़ा 3-3 घंटे के गैप पर हम लोग मेंटेन करके खाएं तो इट विल बी इफेक्टिव। ओके, और सर फोर्थ पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगा सर कि देखिए, पॉजिटिव रहें हमेशा, कि आप रोज मतलब डेली सुबह उठ के ये सोचें कि मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हो रहा है, मेरा वेट लॉस हो रहा है और मैं डे बाई डे हेल्दी हो रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। कभी भी ये ना सोचे कि पता नहीं मेरा मतलब वेट कम हो रहा है या नहीं, इंचेस जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि क्या है कि स्टार्टिंग में वो ये आपको एकदम नहीं दिखता है, क्योंकि ये धीरे धीरे ही होगा। कभी कभी ये भी होता है सर, किसी किसी वीक में हमारा वेट स्टेबल हो जाता है या फिर नहीं हो पाता, लॉस नहीं हो पाता, या 1 या 1.5 किलो बढ़ भी जाता है। लेकिन आप थिंक पॉजिटिव रखें, पॉजिटिवनेस अपने अंदर रखें, अपनी जो बॉडी है आपको उसे भी पॉजिटिव रखेंगे अगर आप, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इजी रहेगा। ओके, ठीक है सर, तो हमारी 4 टिप्स सर हमें बता चुके हैं कि हम कैसे फिट हो सकते हैं। एक टिप और रह गई सर। सर लास्ट टिप जो मैं देना चाहूँगा, जो मुझे खुद भी बहुत अच्छी लगती है, ओके, और मैं सबको कहता हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स को सबको कहता हूँ, मैं अपने घर पर भी सबको कहता हूँ कि टेंशन नहीं लें, स्ट्रेस अपनी लाइफ से दूर कर दें बिल्कुल। और अपना ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे बड़ा रोल है कि आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ना स्ट्रेस लें, खुश रहें। लेकिन क्या है कि पहले मैं भी सुनता था, बहुत कहते थे कि ज़्यादा खुश रहने से खून बढ़ जाएगा, वजन बढ़ जाएगा, ये सर सब बेकार की बातें होती है। लेकिन अगर आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना खुश रहेंगे और अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आप एक्साइटेड रहेंगे, उतना आपका ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा होगा और आपको बहुत जल्दी रिजल्ट दिखेगा। ओके ओके, मतलब हमें नेगेटिव नहीं होना है, यस सर, पॉजिटिव ही रहना है। तो सर थैंक यू वेरी मच, आपने मतलब हमारे ऑडियंस को बहुत सारी टिप्स दी और जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बहुत जल्दी आपको बुलाने वाला हूँ दोबारा से, और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए इस